गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून मैम. आवाज आ रही है मैम? यस मैम. ओके यस मैम. लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 13. ओके कंटिन्यू करते हैं. हम 13 एक्सरसाइज 13 कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था हमारा. क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए कोई. आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम. हाँ रीड करो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ राम गेट मैथ्स बुक प्राइस रुपीज 10 एट 10% डिस्काउंट हाउ मच विल ही पे फॉर इट. मींस राम जो है वो मैथ्स की बुक खरीदता है जिसकी प्राइस क्या है 10 रुपीज है और उसे 10% क्या मिलता है डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितने रुपए पे करेगा शॉपकीपर को मैथ्स बुक का कितने रुपीज वो पे करेगा शॉपकीपर को ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. ओके देखिए डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज डिस्काउंट है ठीक है जब हमारे पास क्या हो 100 रुपीज हो. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व. डिस्काउंट ऑन रुपीज 100 100 रुपीज डिस्काउंट पे कितने रुपीज मिल रहे हैं उसे डिस्काउंट 10 ठीक है 10 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है सो डिस्काउंट ऑन रुपीज 1 रुपीज में क्या हो जाएगा 10/100 रुपीज. ओके आपको कितने रुपीज पे डिस्काउंट बोला जा रहा है और मैथ्स बुक का प्राइस क्या है. अब हमारे मैथ्स बुक का प्राइस क्या है 10 रुपीज है सो डिस्काउंट ऑन रुपीज 10 रुपीज पर डिस्काउंट क्या हो जाएगा 10/100 इंटू क्या करेंगे हम 10 रुपीज. 1 रुपीज का क्या था 1 रुपीज में डिस्काउंट क्या था 10/100 एंड 10 रुपीज पे क्या होगा 10/100 इंटू क्या कर देंगे हम 10 जीरो जीरो कैंसिल हो गए 10 1 जा 10 मीन्स 1 कितने रुपीज बचा हमारे पास 1 रुपीज 10 रुपीज में 10% डिस्काउंट मीन्स कितना डिस्काउंट हो रहा है 1 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है तो वो कितने रुपीज वापस करे पे करेगा बताइए. बताइए कितने रुपए पे करेगा वो शॉपकीपर को 10 माइनस क्या करेंगे हम 10 रुपीज का था बुक उसमें 10% डिस्काउंट मीन्स कितना रुपीज डिस्काउंट हो गया उसे 1 रुपीज तो 10 माइनस 1 करेंगे 9 10 माइनस 1 9 दैट मीन्स 9 रुपीज वो क्या करेगा शॉपकीपर को पे करेगा. क्लियर? यस मैम. 7 क्वेश्चन ऑन इंडिपेंडेंस डे 300 टॉपीज वेयर बॉट अ स्कूल 99% टॉपीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्टूडेंट्स व्हाट नंबर ऑफ टॉपीज रिमेंडर्ड. मींस इंडिपेंडेंस डे पे 300 ट्रॉफी क्या हो गए बच्चों को स्कूल में लाया गया और इसे जिसमें से 99% ट्रॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट्स में व्हाट नंबर बी ट्रॉफीज रिमेंडेड कितनी ट्रॉफियां बच गई है वो आपको फाइंड आउट करनी है. 99% ट्रॉफी क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है
300 ट्रॉफीज लेके आए थे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे पे, और 99% ट्रॉफी जो है स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। जब 99% ट्रॉफी 100% 300 का कितना 99% ट्रॉफियां जब बांट दिया गया, तो आपके उनके पास कितनी ट्रॉफियां बची है, शेष कितनी ट्रॉफियां बची है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो सबसे पहले हम 300 का क्या निकालेंगे, 99%। देखिए टोटल टॉफीज कितनी थी, टोटल टॉफीज 300। ओके नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना परसेंट 99 ऑफ 300 में कितना 99% क्या गया टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दैट मीन्स 300 × 99% का 100 हम नीचे डिवाइड मिल लेंगे, 0 0 कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 × 99 मल्टीप्लाई कीजिए, 297। ये क्या हुई टॉफियां हैं जो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टूडेंट्स में। आपको पूछा जा रहा है कि कितनी टॉफियां रिमाइंडर है शेष बची हुई है, तो क्या करेंगे हम, कितनी ट्रॉफियां बची हुई है लेफ्ट ट्रॉफीज, क्या करेंगे हम टोटल ट्रॉफी में जितनी ट्रॉफियां डिस्ट्रीब्यूट की गई है ट्रॉफियां हो जाएंगी आप 300 − 297 करेंगे तो मैम 3 ट्रॉफीज, 3 ट्रॉफीज। ओके क्लियर, यस मैम, यस मैम, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इफ रूपा गेट 390 out of 600 marks her annual exam, what percentage of marks did she get? देखिए रूपा को 600 जो मार्क्स है उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, 600 में उसे 390 मार्क्स मिले हैं एनुअल एग्जाम में, तो आपको उसका परसेंटेज बताना है। ओके बताइए 600 में कितने मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ 600 मार्क्स रूपा गेट मार्क्स 390। ओके 600 में उसे कितने मार्क्स मिले, 390 मार्क्स मिले हैं, सो आउट ऑफ वन मार्क्स में करेंगे तो क्या होगा, 390 upon 600, 600 में कितना 390, तो वन में क्या हो जाएगा 390 upon 600 आउट ऑफ 100 मार्क्स। माइक ऑफ कीजिए बेटा, क्या करते हैं हम क्या करेंगे
हंड्रेड जीरो जीरो कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कैंसिल, सिक्स से डिवाइड कीजिए 390 को, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स जा सिक्स, सिक्स जा 36, 39 में 36 माइनस कीजिए 3 बचेगा, दैट मींस 30, 6 5 जा 30, 65%। 600 में अगर उसे 390 मार्क्स मिले हैं, दैट मींस उसे 65% मिला है, ओके परसेंटेज में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 65%। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ रबर इज स्ट्रेचेबल टू ट्विस्ट इट्स लेंथ, फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज द लेंथ। कोई भी रबर है वो क्या है, स्ट्रेचेबल है, ठीक है, उसका ट्विस्ट द लेंथ, फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। कितना परसेंट उसका जब डबल किया जाए, उसे जब हम खींचते हैं, स्ट्रेचेबल है जब उसको खींचा जाता है रबड़ को, तो जितना भी फैला उसका जब वो ट्विस्ट किया जाए, डबल किया जाए, दैट मींस उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। मैम 100%। यस 100%। वो जितना फैला है उसे और जब हम खींचेंगे तो वो क्या होगा, जब उसका डबल करेंगे तो वो क्या होगा, 100%। ठीक है, नाइन्थ का आंसर हो जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आर मैन एंड 35% आर वुमेन, व्हाइल द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, इफ द चिल्ड्रन नंबर ऑफ 1800, फाइंड द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द सिटी। किसी भी सिटी का पॉपुलेशन दिया गया है, उनमें मैन कितने हैं 40%, 35% क्या है वुमेन है, ओके okay? और चिल्ड्रंस का नंबर दिया गया, परसेंटेज में नहीं दिया है, चिल्ड्रंस के नंबर दिए गए हैं, 1800 चिल्ड्रन है, तो आपको मैन और वुमेन जो परसेंटेज दिया गया है उसे किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में, ओके क्लियर है क्वेश्चन। देखिए 40% क्या है पॉपुलेशन में, 40% क्या है मैन है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। 40% क्या है मैन है टोटल पॉपुलेशन में, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में 40% मैन है एंड 35% क्या है वुमेन है, एंड अब बताइए परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, इनका परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज कितने में रहते हैं, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए क्या करेंगे हम, हंड्रेड, हंड्रेड में क्या करेंगे, परसेंटेज हंड्रेड में रहता है, तो हंड्रेड माइनस क्या कर देंगे 40 प्लस 35, मैन एंड वुमेन जितने परसेंटेज है उनको प्लस करके टोटल परसेंटेज में माइनस करेंगे, 100 40 प्लस, इसमें 40 प्लस 35 कीजिए 75, यस 100 माइनस 75 25%। चिल्ड्रंस कितने हैं, अब चिल्ड्रंस का परसेंटेज कितना आ गया, बच्चों का परसेंटेज कितना आ गया 25%, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, ओके, जिसमें 40% मैन है 35% वुमेन है, और चिल्ड्रंस का परसेंटेज क्या निकल के आया हमारा 25% में, सो 25% मींस कितना बोला जा रहा था, पॉपुलेशन चिल्ड्रंस का पॉपुलेशन कितना था मैम, 1800, ओके, सो 100 में क्या करेंगे, अब
ये 25 में था, कितने का निकालेंगे हम? 100 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? एटीन थाउजेंड है ना, इंटू 100 अपॉन 25 डिवाइड कीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 18,000 इनटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए मैम, 72,000 ये क्या निकल के आया? टोटल पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन, दैट मींस टोटल पॉपुलेशन कितना आया? 72,000, ठीक है? अब हम जो टोटल पॉपुलेशन आया है इसमें से मेन और वुमेन्स के नंबर्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ वुमेन, सो नंबर ऑफ मेन करते हैं पहले, नंबर ऑफ मेन, टोटल पॉपुलेशन कितना? 72,000, इसमें कितना परसेंट है मेन, कितने परसेंट है? 40%, 40% का 100 हम नीचे डिवाइड मिलेंगे, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 77,200 इंटू हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई कीजिए 400 400 4 2 8 4 7 28 28,800, ये क्या निकल के आया हमारा? मैन, इतने क्या है? मैन है, ओके अब नंबर ऑफ वुमेन, टोटल पॉपुलेशन 72,000, वुमेन्स का परसेंटेज कितना था? 35 अपॉन 100, दिख रहा है बेटा नीचे? जीरो जीरो कैंसल, जीरो जीरो कैंसल, क्या हुआ? 720 into 35 कीजिए, 25,200, ये क्या है? वुमेन है, और चिल्ड्रंस का आपको दिया गया था 18,000, ओके क्लियर? यस मैम, यस मैम, ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 तक सबका कंप्लीट होना चाहिए, 11 अब बना के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 एज इट इज ही है, क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, ओके? यस मैम, ओके, क्लास लीव कर रहे हैं और इनके नोट्स मैं एक बार आपको फिर से रीसेंड कर दे रही हूँ, जिनका इनकम्प्लीट है कंप्लीट करेंगे, जिनका कंप्लीट है बेटा फिर से एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस, ओके? यस मैम, यस मैम।